नमस्कार दोस्तों, तो आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का है। 2022 में जो एक्सरे टेक्नीशियन का ये फाइनल क्वेश्चन पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ए एन एफ इज सिक्रेटेड फ्रॉम, तो इसका आंसर होगा हर्ट। सेकेंड क्वेश्चन है इन डेंगू फीवर विच ब्लड सेल्स आर डिक्रीज, तो इसमें होगा प्लेटलेट। थर्ड क्वेश्चन ईस्ट इज, तो ईस्ट हमारा फंजाई है। फोर्थ क्वेश्चन है न्यूरोफाइब्रोमा इज, तो न्यूरोफाइब्रोमा एक वेन है। स्क्वानोमा इज है, तो स्क्वानोमा एक तरह का ट्यूमर है। सेकेंड क्वेश्चन है डब्ल्यू बी सी इन आवर ब्लड आर ऑफ 7 टाइप्स, तो डब्ल्यू बी सी बस 2 टाइप्स के होते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग है। फिर रिफेम्पिसिन इज एंटी ट्यूबरकल ड्रग, तो ये राइट आंसर है क्योंकि एंटी ट्यूबरकल ड्रग है रिफेम्पिसिन। डिसेंट्री इज कॉज्ड बाई फंजाई, तो डिसेंट्री जो है वो बैक्टेरियल है, तो डिसेंट्री इज कॉज्ड बाई बैक्टेरिया, तो ये हमारा फॉल्स है। और कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाई वायरस, तो ये हमारा राइट है। इराइथ्रोपोइटिन इज अ बोन, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा रॉन्ग है क्योंकि इराइथ्रोपोइटिन जो है वो एक तरह का हार्मोन है जो कि किडनी के द्वारा सिक्रीट होता है। तो इस तरह से ये जो हमारे फॉर्मेट है क्वेश्चन पेपर के वो प्रीवियस ईयर्स की तरह ही हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है और सेकंड क्वेश्चन जो है वो राइट और रॉन्ग है, स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसको राइट और रॉन्ग करना है। और अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आएगा वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होगा, तो पेपर का फॉर्मेट सेम है पहले की तरह। तो अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो फिल इन द ब्लैंक्स होगा और ये जो पेपर है ये थोड़ा डिफरेंट है। कैसा है? डिफरेंट है, हमारे जो 5 साल के पेपर थे उनसे अगर मिला है तो ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए जितना डिटेल में सबको पढ़ सकें। तो हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में नेजोलैक्रिमल इज अ डक, ठीक है। इराइथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाई किडनी। मैक्सिलरी इज, तो मैक्सिलरी एक तरह का मसल है और मैक्सिलरी साइनस भी होते हैं। और फिर फोर्थ क्वेश्चन है आइसोनियाजिड जो है वो एक तरह का एंटी ट्यूबरकल ड्रग है, यानी ट्यूबरकुलोसिस होने पे ये ड्रग दिया जाता है। रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड जो है वो ट्यूबरकुलोसिस होने पे दिया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं एंटोन वॉन लीवेनहुक। और अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एनाटमी, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के हैं और 5 क्वेश्चन है, तो जबरदस्त 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है एनाटमी ऑफ यूरिन ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर का एनाटमी लिख देना है, ठीक है। लॉन्ग बोन ऑफ हैंड सेकेंड क्वेश्चन है, यानी हैंड का लॉन्ग बोन ह्यूमरस है उसके बारे में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है लेयर्स ऑफ द आई, यानी आई के बारे में थोड़ा लिख दीजिए फिर उसके लेयर्स के बारे में। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कोविड-19, यानी कोविड-19 के बारे में लिख देना है। फिफ्थ है रेनिन के बारे में लिख देना है। अब हमारा है ये जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यूरिनरी ब्लैडर, इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है, ऑर्गन है समझिए। तो ट्राइगोनल होता है, ये पियर शेप्ड नाशपति के आकार का होता है। इसमें क्या होता है, तो यूरिन स्टोर होता है टेम्प्रोरी, कुछ समय के लिए यूरिन स्टोर होगा। यूरेथ्रा एक ओपनिंग है इसका, 2 ओपनिंग उसका है यूरेटर के लिए, इसीलिए इसे ट्राइगोन कहते हैं। और भी जो ऐड करना चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो लॉन्ग बोन ऑफ हैंड है, तो ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस के बारे में थोड़ा लिख दीजिए उसके पार्ट के बारे में, जो भी ट्यूबरसिटी है, हेड नेक साफ्ट वगैरह जो भी है। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है लेयर्स ऑफ द आई, तो आई क्या है, आई एक सेंस ऑर्गन है जो कि देखने में हेल्प करता है, ठीक है, विजिबिलिटी में। और ये जो है हमारा, इसका डायमीटर देखें आईबॉल का, तो वो कितना होता है वो सब लिख दीजिए 2.5 सेंटीमीटर ऐसे करके। फिर हमारा इसमें आई के लेयर्स में हो गए, तो आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर, तो जो भी कॉर्निया स्क्लेरा वगैरह होते हैं। फिर कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस होते हैं। फिर इनर लेयर में रेटिना, तो ये सब कुछ लिखना होगा, ठीक है, यही तो लेयर्स, इनके बारे में डिटेल में थोड़ा लिख दीजिएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उस टाइप। फिर कोविड-19 है, तो कोविड-19 कैसे हुआ, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कौन कौन सी मेडिसिन दी जा रही थी, क्या क्या सावधानी बरती गई, किस तरह के वैक्सीन लगाए गए, और फिर और भी लिख दीजिए किस साल आया, कितने दिन चला, उसके चलते लॉकडाउन थोड़ा हुआ, तो वो सब थोड़ा लिख दीजिए, तो 5 मार्क्स हो जाएंगे। रेनिन जो है वो हमारे स्टमक में भी सिक्रीट होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक सब्सटेंस के तौर पे। और रेनिन जो है एक तरह का हार्मोन भी है जो कि किडनी के द्वारा सिक्रीट होता है, इसके बारे में लिख दीजिए इसका क्या फंक्शन है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट है ये, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है जिसमें 5 में से 4 ही सॉल्व करना है। तो पहला जो है वो इंसुलिन है, तो इंसुलिन क्या है,
जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन है जो कि बीटा सेल, जो पैनक्रियाज का बीटा सेल होता है उसके द्वारा सीक्रेट होता है। और भी जो लिखना चाहें इसमें आप लिख सकते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया क्या है? एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि पैरासाइटिक प्रोटोजोआ से होता है, और पैरासाइटिक प्रोटोजोआ में इसमें होगा प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी मलेरिया में ही अब हम आगे देखेंगे। मलेरिया जो है उसमें क्या होते हैं कि फीवर बहुत तेज आता है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, एनीमिया, सेकेंडरी एनीमिया हो जाएगा। ट्रांसमिशन कैसे होगा? तो एनोफिल्स मस्क्यूटो जो है वो वेक्टर है, ठीक है, जो कि इसे जिसको हुआ, जैसे हमको हुआ है मलेरिया और हमको एनोफिल्स मस्क्यूटो काटी और फिर दूसरे को काटी, तो वो क्या करेगी, कैरी कर देगी उस डिजीज़ को, यानी उस पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर देगी। तो एनोफिल्स मस्क्यूटो जो है वो फीमेल एनोफिल्स मस्क्यूटो जो है वो ट्रांसमिशन करती है मलेरिया डिजीज़ का। फिर है कि इसका अगर लाइफ साइकिल देखें तो सेक्सुअल साइकिल होता है और सेक्सुअल साइकिल होता है। तो सेक्सुअल साइकिल जो है इन्फेक्टेड होस्ट में पाए मतलब होगा, और मस्क्यूटो में सेक्सुअल साइकिल होता है। तो ये सभी लिखने होंगे थोड़े, क्योंकि जो 10 मार्क्स का है इतना तो लिखना तो पड़ेगा। और इसमें जो ट्रीटमेंट होता है उसमें जो क्यूनिन और क्लोरोक्यूनिन नामक एंटी मलेरियल ड्रग दिया जाता है, फिर डाइट भी मेंटेन किया जाता है, और फिर पूरी हाइजीन भी मेंटेन किया जाता है, और भी ड्रग्स होते हैं जो कि दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत वीकनेस हो जाती है और बहुत ज़्यादा ही फीवर आता है। तो अब इसमें इतना लिख दीजिएगा, और भी जो ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन आरबीसी कमी हो जाती है, आयरन डिफिशियंसी हो जाएगा। इसके टाइप को लिख दीजिएगा, ये फीमेल बॉडी में ज़्यादा होता है क्योंकि फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होता है जिसके चलते ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए फीमेल बॉडी में ये ज़्यादा होता है। और इसमें टाइप में हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, जो कि आपका फॉलिक एसिड और फिर हमारा जो विटामिन B12 है उसकी कमी के चलते होता है। और भी बहुत तरह, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा या प्लास्टिक एनीमिया, तो बहुत तरह के एनीमिया होते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा। तो ये सभी एनीमिया होते हैं, तो वो सभी टाइप का आप अच्छे से लिख दीजिएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है ब्रोंकोपुलमोनरी सेगमेंट। तो इसके बारे में आप लिख दीजिएगा अच्छे से कि ब्रोंकोपुलमोनरी सेगमेंट क्या है, ब्रोंकियस पुलमोनरी, ये सब जो भी है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है नी ज्वाइंट। तो नी ज्वाइंट हमारे बॉडी में कहाँ होती है, इस ज्वाइंट के बारे में लिख दीजिएगा, कौन कौन सी बोन मिलके इसको फॉर्म कर रही है, और भी नी ज्वाइंट कैसा ज्वाइंट है, तो हिन ज्वाइंट है, और भी जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन पेपर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।